आगे बढ़ते अपन रिवॉल्व कमांड से। रिवॉल्व कमांड में क्या होगा ना, ये जैसे मिरर कमांड होता है ना, उसी हिसाब से ये 3D में बनेगा पूरा गोल। जैसे मैं अभी आप ऑफसेट देता हूँ 0.2 से 0.3, और यहाँ से मैंने इसके पॉइंट्स को रिबिल मार के खींच दिया। जो भी कोई आप प्रोफाइल बनाओगे उसको वो पूरा गोल के आकार में सरफेस बनाएंगे। अब एक उदाहरण देता हूँ, जैसे अभी जैसे मैंने एक प्रोफाइल बनाया है यहाँ पे, ठीक है, क्या लग रहा है ये प्रोफाइल, कुछ लग रहा है देख के? ये क्या ग्लास? ग्लास लग रहा है ना। तो ये जैसे अभी हम रिवॉल्व कमांड लेंगे ना, यहाँ पे रिवॉल्व लिया, अगर सेलेक्ट नहीं करोगे तो वो पूछेगा कि सेलेक्ट कर्व टू रिवॉल्व। कर्व को सेलेक्ट किया, प्रेस एंटर, स्टार्ट ऑफ रिवॉल्व एक्सिस। जैसे अपना मिरर होता है उसी तरह आपको इसे एक्सिस देना होता है, ठीक है। अभी मैं अगर बीच में दूं बिल्कुल, तो ये पूछेगा स्टार्ट ऑफ एंगल, मैंने ले लिया यहाँ पे 0, एंड ऑफ एंगल 360 डिग्री। हमेशा ये अपना सेम रहेगा, ठीक है। ये आपका बन गया, क्या बन गया, प्लस, ठीक है। आया समझ? अभी इसमें होता क्या है अक्सर कि जब रिवॉल्व देते हो ना, आपको एक्सिस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ पे एक्सिस दे दोगे कुछ ऐसा, ठीक है, तो आपका ग्लास कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा आड़ा टेढ़ा। आया समझ में? जितना सही दोगे उतना सही बनेगा। देखो यहाँ पे होल भी है एक, सही नहीं है ना ये, समझे। और एक एक गलती क्या होती है, बिना पढ़े हम क्या करते, यहाँ पे 360 की जगह पे कुछ और दे देंगे तो ये आधा बनेगा, कुछ इस तरह से। आया समझ? तो बराबर से पढ़े और देखो कि क्या करना है। हमें लिया रिवॉल्व यहाँ पे, इसको किया 0 एंटर, 360 एंटर, ये हो गया आपका कप रेडी, ठीक है। वाइन ग्लास बोलते हैं इसे, अच्छा ठीक है। अगर मैं अंदर भी बनाता तो अंदर भी ऐसे ही आता। ओके, ये आप कैसे भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने जो एक्सिस चुना है वो सही से चुना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सिस बना दूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि आधा ही होना चाहिए, मैंने फुल इससे भी बनाया। अगर ये ऐसा भी है तो मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूँ।
ओके okay? है समझ में। अभी सपोज मैं यहां से लेता हूँ रिवॉल्व, देखो ये हो गया। तो पूरा एक्सिस का ही खेल है इसमें, भले आपका कर्व कैसा भी हो, जैसा आप एक्सिस बनाओगे वो हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, दूसरा है अपना रेल रिवॉल्व। सरफेस में जाएंगे, रेल रिवॉल्व। रेल रिवॉल्व में क्या होता है, सेम रिवॉल्व ही होता है, बट जो हमारा शेप होगा उसके हिसाब से वो रेल सरफेस बनाएगा। ना फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे एक राउंड ले लेता हूँ, इसको मैं रिबिल्ड करके कुछ शेप दे देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा शेप दे देता हूँ। और हम दोबारा जाएंगे उस वाइन ग्लास के कर्व में, तो इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेता हूँ। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, अंडू अंडू अंडू, ये हमारा कर्व आ गया यहाँ पे। इसको भी कर दिया, डिलीट कर दिया इसको, ये हमारा कर्व आ गया। ठीक है, ये हमारा अभी रेल है यहाँ पे, और ये है हमारा प्रोफाइल यहाँ पे। ठीक है, सरफेस, रेल रिवॉल्व, सेलेक्ट प्रोफाइल कर्व, ये आपका प्रोफाइल हुआ। सेलेक्ट रेल कर्व, ये आपका रेल हुआ। और अभी स्टार्ट ऑफ रेल रिवॉल्व एक्सिस, जो कि सेम रहेगा जैसा हमने पहले लिया था। ये देखो, ये आपका कर्व बन गया स्क्वायर में, जो ऊपर वाला शेप था ना, ऐसे ही बन गया ना ये। आया समझ में? ओके, तो ये भी एक बढ़िया कमांड है जैसे कुछ बनाना हो तो। अब जैसे इसका शेप होगा ना, उसी हिसाब से ये बनते जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा है रेल सेलेक्ट प्रोफाइल टू फोर रेल का, भी हम बाद में करेंगे। इसको हम चाहिए तो जॉब बैग में डाल देंगे, ट्रेनिंग वाले सेक्शन में। सेलेक्ट इसको, इसके अंदर डाल दिया। ओके, दूसरे सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे है फिलेट सरफेस। फिलेट सरफेस क्या होता है कि बेसिकली फिलेट होता है, जैसे फिलेट कर्व होता है ना, उसी तरह से फिलेट सरफेस होता है। ये हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि क्या होता है इसमें। जैसे फिलेट में आपको पता है कि आपकी दो वैल्यू होती है या एक वैल्यू होती है, जो भी जितना भी आपको फिलेट करना होता है, उसमें आपको एक पहला सरफेस सेलेक्ट करना होता है और बाद में दूसरा सरफेस। ये देखो, ये आपका फिलेट एज से फिलेट सरफेस हो गया। अभी हम ये क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि सॉलिड में ऑलरेडी एक कमांड है फिलेट एज, जहाँ से आपका कट केस कट होकर आपका प्रॉपरली रिजल्ट भी आता है। ऐसा तीन वो हो गया, ऐसा तीन हो गया। तीन कमांड हो गया। तो इसलिए हम ये कमांड ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। अभी इसी के अंदर है वेरिएबल फिलेट सरफेस, जो भी जो हम दोबारा फिर से हम इसे यूज़ नहीं करते, बिकॉज़ यही सेम कमांड आप इसमें भी कर सकते हो। सॉलिड में जो वेरिएबल सरफेस है ना, ये फिलेट एज है, इसमें आप वेरिएबल कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल में होता क्या है कि आप एक हैंडल को ऐड कर सकते हो, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे ऐड हैंडल दबाया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको मैंने खींच के बड़ा कर दिया। तो होगा क्या, यहाँ पे छोटा होगा, यहाँ पे आके बड़ा होगा, फिर दोबारा छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल फिलेट्स, जो दोबारा हम इसमें कर सकते हैं, इसलिए ये भी कमांड कोई ज़्यादातर यूज़ नहीं करता है। काम दोनों का सेम है। ठीक है, सिर्फ इतना है कि इसमें आपका ट्रिम ओके नहीं आएगा वो, क्योंकि आपने ट्रिम ऑप्शन नहीं लिया। ट्रिम एंड ज्वाइन यस कर दिया और यहाँ पे ऐड हैंडल कर दिया, तो इसको आपने बड़ा कर दिया, एंटर मारा, तो देखिए ऐसे हो गया है ना। उल्टा इसमें ये नेकेड एजेस छोड़ देता है, ये देखो ज्वाइंट नहीं है, ये सरफेस अलग से हो गया यहाँ पे।
चैम्फर सरफेस ये भी हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि सेम कमांड आप सॉलिड में यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है चैम्फर सरफेस। तो चैम्फर सरफेस वैसे सॉलिड में ये कमांड नहीं दिया गया है, यहाँ पे उन्होंने ऐड नहीं किया है, पता नहीं क्यों, लेकिन आप ये कमांड टाइप कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैम्फर, ये आ गया आपका चैम्फर एज। तो अगर मैं इस एज को सेलेक्ट करूँ तो ये चैम्फर हो जाएगा, जैसे कि उसको काट दिया हो। चैम्फर कमांड पता है ना, जो हमने कर्व में किया था, चैम्फर कर्व, सेम कमांड सरफेस में आ गया ये। ओके, तो ये भी कमांड हम नहीं करेंगे, सेम इसी का ही है वेरिएबल कमांड, उसको छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे ऑफसेट सरफेस की ओर। ओके, ऑफसेट सरफेस क्या होता है कि जैसे आपका कर्व ऑफसेट होता है, आपका सरफेस भी ऑफसेट होता है। उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसको सॉलिड कर सकते हो। तो पहले मैं एक फ्लैट सरफेस लेके बताऊंगा यहाँ पे कि ऑफसेट क्या होता है। जैसे ये फ्लैट मैंने ले लिया, और मान लो कि मैंने एक बॉल का हाफ, एक स्पीयर का हाफ को काटकर कुछ इस तरह से ट्रिम। ओके, देखो ये भी आपका सरफेस है, ये भी सरफेस है, और ये पॉली सरफेस है। सरफेस और पॉली सरफेस के बीच में आपको अंतर पता है? सरफेस एक सरफेस का बनता है, यानी आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे बताएगा एक सरफेस, और यही ऑब्जेक्ट काफी सरफेस से जो बनता है, यानी एक से अधिक सरफेस से बनेगा, तो उसको हम कहेंगे पॉली सरफेस। ठीक है, ये समझ में आया? अगर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे देखो हमें मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये पॉली सरफेस आपका 10 सरफेस से बना हुआ था, आया समझ में? तो फर्क यही है पॉली सरफेस और सरफेस के बीच में। ठीक है, अब ये आपका सरफेस है जो कि ओपन है ना, क्लोज नहीं है। पहले ये क्लोज था, हमने इसको ट्रिम किया तो ये ओपन हो गया। ओके, अब सरफेस का जो ऑप्शन है ऑफसेट सरफेस, उसमें क्या होता है, जैसे आप ऑफसेट सरफेस लेते हो, यहाँ पे देखो सारे ऑप्शंस दिए गए। डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी आपको कितने डिस्टेंस में उसे ऑफसेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 लिखूँ यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा। आपको कॉर्नर्स कैसे चाहिए, राउंड चाहिए या क्या ऑप्शन है, शार्प चाहिए, तो हम फिलहाल इसको राउंड रखेंगे। सॉलिड ऑप्शन चाहिए, यस। टॉलरेंस ये देखने की जरूरत नहीं है, बोथ साइड अंदर बाहर दोनों चाहिए आपको, तो आप यस दबा सकते हो, तो वो दोनों जगह पे 1 mm का ऑफसेट मारेगा। ठीक है, डिलीट इनपुट, अगर यदि आपको ये सरफेस को डिलीट करना हो तो आप यस दबा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल अब मैं ये बोथ साइड हटा देता हूँ, एक ही साइड इसको मैं ऑफसेट करता हूँ। ओके, तो ये देखो ये आपका सॉलिड सरफेस बन गया, पॉली सरफेस बन गया। अभी आया समझ में? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शन क्या लिया था, सॉलिड वाला लिया था। अगर ये नहीं रखते तो ये दोबारा एक ओपन सरफेस बना था। ठीक है, सरफेस सॉलिड ऑप्शन यस, बोथ साइड कर दूँ तो देखो ये अंदर बाहर दोनों तरफ ऑफसेट करेगा। आया समझ में? तो ये होता है सॉलिड का काम, दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ, सेम सॉलिड कॉर्नर। जो कॉर्नर यहाँ पे जो राउंड दिया है वो राउंड एजेस में ज़्यादातर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे ऑफसेट मारूँ तो उसके पहले मैं क्या करूँगा, एक्सप्लोड दबाऊँगा, इसको सिर्फ डीसेलेक्ट करूँगा, यानी इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा, और दोबारा इसको ज्वाइंट दबा दूंगा, और इसको कर दिया मैंने डिलीट। ठीक है, अब यह मेरा पॉली सरफेस एक जगह से ओपन है, एक साइड से ओपन है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया ऑफसेट। यहाँ पे देखो हमने कॉर्नर लिया था राउंडेड, और हमने यहाँ पे सॉलिड ऑप्शन लिया है। अगर मैं एंटर मारूँ तो देखो ये यहाँ पे आपका राउंडेड बनकर आया है, देखो सब जगह पे ये राउंडेड बनकर आया है, जैसे है ना, आया समझ में? और यही चीज अगर हम इसको शार्प रखे यहाँ पे तो ये बिल्कुल शार्प बनकर आएगा। मालूम पड़ा फर्क? बस यही फर्क है इसमें। ये भी आपका पॉली सरफेस है। ठीक है,
तो किसी चीज़ को सॉलिड आपको थिकनेस देना हो तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये हर बार सक्सेस नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक हो सकता है आप वहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हो सॉलिड बनाने की। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। रीडू ज्वाइन कर दिया और इसको मैंने जॉब बैग में डाल दिया, इसको भी डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ओके, दूसरा कमांड है वेरिएबल ऑफसेट, ये मैं चाहता हूँ कि आप खुद ट्राई करो। क्लिक, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो वेरिएबल के लिए, बस उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आप खुद ट्राई करना ये कमांड। ओके, दूसरा है ट्विन सरफेस, ये एक नया कमांड आया है राइनो का, जहाँ पे होता ये है कि आप दो सरफेस के बीच में एक नया सरफेस निकाल सकते हो। उसके लिए अभी मुझे एक फ्लैट सरफेस की ज़रूरत होगी यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से यहाँ पे इतनी दूरी में। ओके, दोनों भी मेरा ओपन सरफेस है, ठीक है, सॉलिड नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, ट्विन की कोशिश करूँगा, स्टार्ट सरफेस एंड सरफेस। तो देखो ये दोनों के बीच में जो सरफेस आया ना, ये उसको पकड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी हम नंबर ऑफ सरफेस को बढ़ा देंगे, जैसे 5 ले लेंगे, तो देखो ये 5 आ जाएगा। तो हो क्या रहा है ना, ये जैसे इस सरफेस से इस सरफेस में आने तक एक आकार ले रहा है वो, तो उसके बीच में हमको जो भी चाहिए हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा सरफेस लेके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं बेंड कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल बेंड कमांड, ये रहा बेंड, सिमेट्रिक यस, कॉपी टू क्लिप बोर्ड, अंडू रीडू, और यहाँ पे रख दिया इसको। यहाँ से भी इसको बेंड करता हूँ दोबारा, कुछ इस तरह से। ओके, अब की बार क्या होगा, कुछ ऐसा मिलेगा हमें। समझ में आ रहा है, जैसे ये शेप धीरे धीरे ये शेप में आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ सरफेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर दो चाहिए तो दो मिलेगा। वैसे इसका कुछ खास यूज़ तो है नहीं फिलहाल तो, बट फिर भी आप इसे ध्यान में रखोगे तो कभी ना कभी आपको ये काम में आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको ऑफसेट कमांड दे दूँ, सॉलिड ऑप्शन, तो देखो मैंने इसको सॉलिड बना दिया। ठीक है, दिख रहा है कैसे, देखो ये स्ट्रेट होके धीरे धीरे एकदम कर्व हो गया है ना। ओके, तो वो था आपका ट्विन सरफेस। दूसरा है मर्ज। मर्ज सरफेस क्या होता है कि अगर आपका दो सरफेस एक दूसरे से ज्वाइंट हो, कनेक्टेड हो, ज्वाइंट नहीं बट कनेक्टेड हो, तो आप इसे मर्ज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका मर्ज, यानी अभी दो था तो ये एक हो गया है। इसके लिए ध्यान में रखना ये जरूरी है कि दोनों सरफेस अनट्रिम हो, यानी ऐसा नहीं इसको मैंने ट्रिम किया हो फिर मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ट्रिम समझते हो ना, ट्रिम करते तो वो कैसा एक शेप ले लेता है, जैसे अभी ये ट्रिम सरफेस है अपना, इसमें मर्ज नहीं होगा, उसके लिए सरफेस अनट्रिम होना ही जरूरी है। ठीक है, जैसे ये अनट्रिम है ना, ये बिल्ड किया, ये जैसा अनट्रिम है, अगर अभी मैं इसको यहाँ पे एक मिरर मारूं, तो हो सकता है कि ये एक दूसरे से मर्ज हो जाए। लेट्स ट्राई, मर्ज एज आर टू फार अपार्ट टू मर्ज, यहाँ पे मर्ज नहीं हुआ क्योंकि इसके जो एजेस है वो काफी एक दूसरे से दूर है। बराबर, इसको मुझे दोबारा मिरर करना होगा, मिरर
फ्रॉम एंड टू मिड, मिड फिर भी ये एजेस मैच नहीं हो रहे, ये मर्ज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक एक्सट्रूड निकालूं ऊपर की ओर, अभी मैंने क्या किया, दो अलग बनाया ना, तो ये यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, मर्ज, देखो मर्ज हो गया। और मर्ज होते ही देखो जैसे जो एज आ रहा था ना, उस एज को स्मूथ कर दिया, देखा ये एक एज आ रहा था यहाँ पे, मर्ज होते ही वो स्मूथ हो गया। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। मैं दोबारा यहां से एक्सट्रूड करूँ इसको ऊपर की ओर, दोबारा मर्ज करूँ तो यहाँ पे भी स्मूथ हो जाएगा, दिख रहा है। तो ये मॉडलिंग के टेक्निक्स है, जो हम सरफेस मॉडलिंग करते हैं ना उसके टेक्निक्स होते हैं ये, कि आप इसको कैसे बनाए करके, ठीक है। अभी जैसे मुझे इसको आगे बनाना हो तो मैं इसको क्या करूँगा, रिवॉल्व कमांड से आगे ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया स्टार्ट ऑफ रिवॉल्व एक्सिस, यहाँ पे इसका मैंने कर्व बना लिया, एंटर, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं इन दोनों को भी दोबारा मर्ज कर सकता हूँ, देखो मर्ज हो गया, आया समझ में। इसको सरफेस मॉडलिंग की टेक्निक बोलते हैं, धीरे 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 करते हम एक ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, पॉसिबल सब कुछ है, सिर्फ आपको सोचना है कि हम इसे कैसे अचीव करें। अभी मैंने जो भी कमांड बताया सरफेस में से, उसी में से मैंने ये बनाया यहाँ पे, है ना, ऐसा, ओके। आगे बढ़ेंगे हम, इसको रिबिल्ड करता हूँ और ये दोबारा रेडी रखता हूँ। नेक्स्ट जो अपना कमांड है वो है मैच सरफेस। मैच में क्या होता है कि अगर आपका कोई सरफेस दूर हो, एक दूसरे से जॉइन नहीं हो, तो यहाँ पे आप मैच कमांड कर सकते हो इसे। अगर मैं दोनों को क्लिक करूँ मुझे ऑप्शन मिलेगा, देखो ये टेंजेंसी रखना है, पोजीशन रखना है, या कर्वेचर रखना है, तो ये मैच कर रहा है एक दूसरे को, जॉइंट नहीं होएगा ये, बट मैच हो जाएगा। और आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे करना है, अगर पोजीशन से करना है तो वो स्ट्रेट मैच हो जाएगा, है ना, जो गैप था वो मैच हो गया, कनेक्ट हो जाएगा, इन द सेंस कनेक्ट होना, ठीक है। जॉइन नहीं होगा, जॉइन के लिए आपको दोबारा जॉइन कमांड करना होगा, यहाँ पे गए और जॉइन कर दिए, तो एक बार कनेक्ट हो गया तो आप दोबारा फिर इसको मर्ज भी कर सकते हो। देखो मर्ज और मैच में काफ़ी फर्क है, मर्ज यानी वो दो सरफेस को एक कर देगा, मैच यानी दो सरफेस को एक साथ कनेक्ट कर देगा, पर जोड़ेगा नहीं, एक नहीं बनाएगा, दो अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है। दूसरा कमांड है ड्रेप। ड्रेप भी काफ़ी अच्छा कमांड है, जैसे इसमें अक्सर होता ये कि जो 3D ऑब्जेक्ट जो हमें दिखती है, फॉर एग्जांपल मैं इसको घुमा लेता हूँ ऊपर की ओर और इसका मैं एक कॉपी बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जैसे बबल्स लग रहे हैं ना जैसे यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका 3D ऑब्जेक्ट होगा, चलो मैं यहाँ पे एक स्पीयर भी ले लेता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच, अब देखो ये हो गया है बिल्कुल फूल की तरह, बराबर, ऑलमोस्ट। तो ड्रेप में क्या होता है, आप ड्रैग अ विंडो ओवर अ ड्रेप, ड्रैग अ विंडो ओवर एरिया टू ड्रेप, सॉरी। तो जैसे मैं यहाँ पे एक विंडो बना रहा हूँ, मैंने सपोज यहाँ तक लिया, तो इतना एक नया सरफेस बनेगा जो कि इसके ऊपर चादर की तरह चढ़ जाएगा, देखो ये बैठ गया जैसे, दिख रहा है, ये अलग से अगर मैं इसको साइड में ले लूँ तो देखो ये सरफेस कैसा बना है, ये काम में आता है आपका मोल्ड कटिंग में, जब आपका मोल्ड बनता है ना किसी चीज़ का, डाई बनना या मोल्ड बनना, तभी ये काम में आता है, ठीक है। ये दिख रहा है, क्योंकि मैंने आधा लिया तो ये आधा ही बना, अगर मैं इसको पूरा ले लूं तो ये पूरा बनेगा। ड्रेप बस सेलेक्ट करना है और चढ़ा देना है, अगर यहां से चढ़ाओ तो देखो ऐसा बनेगा, ये दिख रहा है,
साइड व्यू से। इसका आपको शायद से कभी जरूरत होगी, बट सरफेस की जानकारी रखना बहुत अच्छी बात है, कभी ना कभी आपको काम में आएगा। ओके, दूसरा है GV4 स्वीप, ये मैं बाद में बताऊंगा। और हाईलाइट फ्रॉम इमेज, ये भी एक कमांड है जो कुछ काम का नहीं है, बट इसको भी हम बाद में करेंगे। ओके, नेक्स्ट कमांड है स्प्लिट एट आइसो कर्व। ओके, तो कोई अगर एक सरफेस हो आपका जिसको आपको स्प्लिट करना है, आइसो कर्व तो आपको पता है जो लाइन होता है जिसे हम यू एंड वी कहते हैं, वो आइसो कर्व होता है आपका। अगर मैं इसमें आइसो कर्व एक्सट्रैक्ट करने जाऊँ, जैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व है, अगर मैं ये क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ उसका। फिर ये इसी कमांड से मैं इसको ट्रिम भी कर सकता हूँ अलग अलग जगह पे, दिख रहा है? ठीक है, तो ये हमारा आइसो कर्व होता है, इसको हम टॉगल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये लाइन नहीं लेना है, दूसरा लाइन लेना है, तो यहाँ पे हम टॉगल दबाएंगे। तो देखो ये अब की बार वी में आ गया है ना, एक वी होता है और एक यू होता है। ओके, तो इसमें क्या दिया है ऑप्शन, स्प्लिट एट आइसो कर्व, यानी एक अलग से स्प्लिट कमांड दिया है जो आप आइसो कर्व की मदद से इसे स्प्लिट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। दोबारा इसको टॉगल करके मैं यहाँ पे स्प्लिट करूँ तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो मानो जैसे कि अलग से एक कमांड दिया है जो ये कमांड कर्व के अंदर, जो एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व और ये कमांड, जो कमांड का नाम है स्प्लिट, इन दोनों को मिक्स कर दिया है, तब जाके ये सरफेस में जो हमारा स्प्लिट एट आइसो कर्व करके कमांड बना है। ठीक है, जिसकी ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं, मतलब आप ज्यादातर ऐसा एक्सट्रैक्ट करके स्प्लिट नहीं करोगे इसको। अगर आपको कुछ स्प्लिट करना ही है तो शायद अपना कुछ अलग से डिजाइन बनाओगे इसके ऊपर, जैसे ये कमांड हुआ कर्व ऑन सरफेस, ये बताया था ना मैंने पहले, तो जैसे ये हुआ, इसको आप रख के इसको स्प्लिट करोगे या ट्रिम करोगे। ठीक है ना, एक शेप बनाने के लिए। ठीक और दूसरा जो हमारा कमांड है इसमें, वो है एक्सटेंड सरफेस। हाँ, ये काफी यूजफुल कमांड है। जैसे कोई सरफेस है जिसका एज आपको छोटा पड़ रहा है, अभी फॉर एग्जांपल इस एज को आपको लंबा करना हो, कुछ बढ़ाना हो यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, सरफेस में जाकर ये कमांड लोगे, एक्सटेंड सरफेस, सेलेक्ट एज ऑफ सरफेस, और यहाँ पे आपको लिखना होगा कि आपको कितना एक्सटेंड करना है, 1 mm, 2 mm, 5 mm। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 mm ले लूँ, तो देखो ये 5 mm से बढ़ जाएगा सरफेस। आया समझ में? कोई भी एज ले लो, अगर आपको ये एज लेना है तो ये आप ये एज को भी लंबा कर सकते हो। राउंड नहीं हो सकता राउंड राउंड मतलब वो ये वाला, हाँ ये वाला, ये जो आप बनाए इसको ये वाला, नहीं ये हाँ मतलब सीधा ना गया है सीधा गया है। हाँ नहीं, राउंड नहीं जाएगा, राउंड चाहिए तो आपको फिर इसको एडिट करना होगा और मूव करना होगा, जैसा भी आपका शेप होगा। भी सपोज आपको राउंड चाहिए तो देखो ये ऐसा होगा, बाद में आपको शेप देना होगा, ये एक्सटेंड सीधा ही होगा। ठीक है, नहीं है तो फिर आपको जैसा कर्व चाहिए, जैसा आपको एक्सटेंड करना हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है फिलहाल मैं सबको डिलीट मारता हूँ, काफ़ी कुछ है अपने स्क्रीन में अभी सब। जो आपको इसको राउंड में एक्सटेंड करना था, तो आप क्या करोगे, कर्व लोगे मिड से, स्नैप ऑफ, ऑर्थो ऑफ, और ऐसे अगर आपको बनाना है तो आप इसे सेलेक्ट करोगे और स्वीप वन दोगे, बराबर। दूसरी बात, ये मेरा प्लानर नहीं है तो इसको मैं प्रोजेक्ट करूँगा ये व्यू से, क्योंकि ये व्यू से हिल गया, मेरा प्रोजेक्ट ऑन नहीं था। तो यहाँ पे कमांड है प्रोजेक्ट टू सी प्लेन, ये वाला, जिसके लिए आपको थ्रू फिंगर व्यू में आना ज़रूरी है और डिलीट इनपुट यस दबाना है, तो मैं यहाँ पे वाई एंटर दबाऊंगा। ठीक है, हो गया फ्लैट सरफेस, स्वीप वन, और ये एज को सेलेक्ट कर दिया, ये हो गया आपका राउंड। आपको राउंड चाहिए था ना, तो राउंड हो गया।
अभी इसको उन दोनों को मर्ज करना है तो हम क्या कमांड यूज करेंगे? अभी हमने सीखा था मर्ज, अच्छा हाँ ठीक है, ये हो गया आपका मर्ज, हाँ हो गया बस एक्सटेंड भी हो गया और आपको जैसे मर्ज जैसे चाहिए था वैसे हो गया, सिंगल सरफेस है ना, डबल नहीं है, ठीक है। अगर इसको और भी चेंज करना है तो इसको रिबिल्ड करो और होता है जितना जरूरत है पॉइंट से इसको दोबारा शेप दे दो, ठीक है, आया समझ में? ओके, एक्सटेंड हो गया। नेक्स्ट कमांड है एक्सट्रूड नॉर्मल टू सरफेस। इसमें आपको एक कर्व और एक सरफेस की जरूरत होगी, तो मैं अंडू मारता हूं दोबारा। ये मेरा सरफेस है और इसके ऊपर मैं एक कर्व बना रहा हूं, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। तो होगा क्या कि जैसे ये कर्व मैंने इसके ऊपर बनाया था, या फिर आप अलग से भी एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैंने यहां पे ले लिया इसको, इसको बीच में ले लेता हूं। ये कमांड बेसिकली एक्सट्रूजन करता है और सरफेस से कनेक्ट कर देता है इसको। ये ले लिया हमने कर्व ऑन सरफेस, सेलेक्ट कर्व ऑन सरफेस, सेलेक्ट बेस सरफेस, तो देखो एक्सट्रूजन कर रहा है इसे, ठीक है। ये भी एक यूजफुल कमांड है, ये देखो। आया समझ में? हाँ, हालांकि इसमें कैप ऑप्शन नहीं है तो ये आपका ओपन ही रहेगा यहाँ पे। ओके, डायरेक्शन टेंजेंट नॉर्मल फ्लिप, ऊपर नीचे करना है तो ऊपर नीचे होगा, ठीक है। बेस पॉइंट यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे होगा, एंटर। ओके, एक्सट्रूजन ही है, सरफेस के ऊपर डिपेंड होता है ये। अगर आपका सरफेस आड़ा टेढ़ा होता तो ये आड़ा टेढ़ा उसको लेके जाता। अभी फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर थोड़ा नीचे ले लूँ, सॉरी, ये ले लिया एंटर, तो देखो आड़ा टेढ़ा आ गया, दिख रहा है? ओरिएंटेशन पे डिपेंड होता है ये, जैसा आपका सरफेस जा रहा है उसी हिसाब से ये फ्लो पकड़ेगा, ठीक है। अब इसको ऑफसेट कर दिया, बहुत सारे निकाल दिया। ओके, लेट्स सी, अगला कमांड है अनरोल सरफेस। अनरोल सरफेस में होता यह है कि अगर आपका सरफेस है जिसको अगर फ्लैट करना हो तो ये बिल्कुल इसे फ्लैट कर देता है। ये ज्यादातर खींचे हुए सरफेस पे नहीं काम करता। अभी ये जैसे खींचा हुआ है, अगर हम इसे फ्लैट करने की कोशिश करें तो ये एकदम फ्लैट नहीं बैठेगा। खींचा हुआ समझते हैं ना, जैसे हाँ जबरदस्ती का अगर खींच लिया कोई हाँ कपड़ा तो कैसे वो फैल जाता है, हाँ फ्लैट नहीं होता है। अगर रुमाल है तो रुमाल को हाथ में रखो तो देखो कैसे बैठ जाएगा रुमाल बराबर से, है ना। बट अगर वही कपड़ा अगर खींच गया हो, जैसे लेदर का सीट हो गया या कुछ हो गया, तो वो बंप हो जाता है ऊपर से। तो ये खींचा हुआ सरफेस है जैसा है इसमें। अगर इसी में मैं अगर एक फ्लैट सरफेस ले लूं, एक्सप्लोड, और अगर मुझे इसे अनरोल करना हो तो ये हो जाएगा अनरोल। अनरोल सरफेस, सेलेक्ट कर्व ऑन सरफेस टू अनरोल। हालांकि अभी इसमें कोई कर्व नहीं है तो मैं इसे एंटर दबा दूंगा, ये हो गया मेरा अनरोल, ठीक है। आए समझ में? अनरोल में होता यह है कि ये इसे जो ये एरिया है ना, ये जो सरफेस है इसको काट के वो फैला देगा, ठीक है, उसको बोलते हैं अनरोल। अभी देखेंगे हम कि सॉलिड को भी लेता है क्या। अभी इसको मैंने ऊपर का भी रखा हुआ है, अनरोल एंटर, तो देखो उसके ऊपर के और नीचे का ढक्कन को भी उसने अनरोल अलग कर अलग दिया, कर लिया। बराबर।
अगर मैं बॉक्स ले लूँ तो बॉक्स को भी सेम करेगा। चलो इसको ही ले लेते हैं, ये ले लिया, अनरोल, एंटर। तो हर एक टुकड़े को अलग अलग कर दिया। ये अलग ऊपर का चार, ये इसके पीछे छुपा हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, है ना? आया समझ में? दूसरा कमांड है सॉफ्ट एडिट, बेस पॉइंट। सॉफ्ट एडिट में क्या होता है कि अगर आपका कोई सरफेस होता है, आप उसको क्लिक करके ना खींच सकते हो, कम ऊपर नीचे ये कर सकते हो, शेप दे सकते हो। ये भी आपका ज्यादातर पॉइंट्स का खेल होता है, ओके? और ये ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि किस जगह पे ये ओरिएंटेड है। सिर्फ आपको क्लिक करना है और ऊपर नीचे लेके आना है। यहाँ पे आप डिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हो, कॉपी करना है कॉपी कर सकते हो, फिक्स एजेस नो ही रहेगा आपका, और डायरेक्शन कॉन्स्टेंट, सरफेस नॉर्मल, ओके। ज्यादातर ये एकदम ऑर्गेनिक आपका सरफेस मॉडलिंग होगा तब ये आपको यूज होता है, नहीं है तो इसका कुछ खास यूज नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट कमांड है एडजस्ट क्लोज सरफेस सीम, सेट सरफेस टेंजेंट, ओके। नहीं, कटिंग प्लेन, नेक्स्ट कमांड है कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन भी काफी यूजफुल कमांड है। अगर आपका कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हो और उसको आपको काटना हो, फॉर एग्जांपल सपोज मुझे यहाँ से इसको काटना हो, तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, कटिंग एज ले लूँगा और एक प्लेन बना लूँगा, ठीक है? देखो मैंने अभी दो प्लेन, दो दो लाइन मारा था तो एक सरफेस तैयार हो गया, तो उस सरफेस से मैं यहाँ पे जाके बुलियन ऑपरेशन कर सकता हूँ, ठीक है? बुलियन के बारे में हम आगे बढ़ेंगे अभी सॉलिड में, तो आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन आपको एक सरफेस बनाना हो बीचों बीच, तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो, कटिंग प्लेन, ओके। नेक्स्ट है एडजस्ट क्लोज कर्व सीम। उसके लिए क्लोज सीम होना जरूरी है, क्लोज सरफेस होना जरूरी है। बेसिकली करता कुछ नहीं है अभी, जैसे इसमें क्या है, एक एज होता है। फॉर एग्जांपल अभी ये सरफेस है, इसमें ये एक एज है, शायद से, लेट मी चेक, डुप्लीकेट एज सिलेक्ट। हाँ, अभी जैसे इस सरफेस में ये एक एज हुआ और ये आपका एक एज हुआ, ठीक है? बाय एनी चांस अगर आपको इसे चेंज करना हो, इसे जैसे बाहर से लेके अंदर लाना हो या नीचे लाना हो, या फिर इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पे लाना हो, या फिर कहीं पे भी लाना हो, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, ये कमांड का यूज करेंगे, सरफेस एडजस्ट कर्व सीम। अभी देखो फिलहाल इसने ये वाला लिया है, और ये दिख रहा है ऊपर, ऊपर एक लाइन दिख रहा है, तो वो क्या होगा, उस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। अगर मैं ऊपर लेके आ जाऊं तो ये ऊपर की तरफ आ गया अभी, नीचे से ऊपर आ गया। अगर मैं अभी इसको दोबारा, इसका डुप्लीकेट एज निकालू, तो देखो मुझे ऊपर मिलेगा, ये ऊपर मिला और ये यहाँ पे मिला, ठीक है? आया समझ में? बताता हूँ, होता क्या है ना, हर सरफेस में एक एज होता है, ठीक है? वो तो पता है। अभी ये पाइप के अंदर दो एज हैं, एक है ऐसे में, यू में, और एक है वी में, बराबर? तो अभी हम पहला इसका करंट ये देखेंगे कि अभी जो हाल ही में इसका जो एज है वो कहाँ पे, वो चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, डुप्लीकेट एज कमांड, डुप्लीकेट एज, सेलेक्ट एज टू डुप्लीकेट। अभी मैं इसको पूरा ले लेता हूँ यहाँ पे और एंटर मारता हूँ। तो देखो अभी फिलहाल जो हमारा एज है वो यहाँ पे है और ऊपर के तरफ से खुलेगा, ठीक है? अगर मुझे इसको यहाँ से यहाँ पे लाना हो और इस एज को यहाँ से कहीं और लेके जाना हो, तो मैं क्या करूँगा, ये कमांड को यूज करूँगा यहाँ पे, एडजस्ट क्लोज कर्व सीम। ये आपको वैसे तो हमेशा यूज़ नहीं होगा, बट ये यूज़फुल कमांड है। अगर आप ट्रिम सरफेस करते हो ज़्यादातर, तो आपको ये बहुत काम में आएगा। तो अगर भी जैसे इसको मुझे एज चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा
जैसे क्लिक करूंगा सरफेस के ऊपर लेके जाऊंगा तो देखो मुझे एक लाइन दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना? ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये आपका नया एज है। अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, और यहाँ पे जो था यहां से जो व्हाइट वाला दिख रहा है वो आपका अभी का एज है, और ये नया एज बनने वाला है, मतलब वहां से पोजीशन चेंज होकर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो अब मैं यहां पे अगर क्लिक कर दूं तो ये यहां पे आ जाएगा। ओके, तो अभी हम दोबारा चेक करेंगे। ये देखो ये पुराना वाला था, इसको मैं कलर चेंज करके रखता हूँ यहाँ पे, जैसे अभी हम नया वाला देखेंगे, नया वाले का कलर लाल रखता हूँ, सेलेक्ट एंटर। ये देखो आया समझ में, ये आपका नया एज है। तो होता कुछ नहीं है, सिर्फ जो सरफेस है क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस होना जरूरी है, अगर ओपन सरफेस रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, क्लोज सरफेस का जो एज है वो चेंज हो जाता है, रहता है तो शेप सेम ही रहता है। ओके, तो ये कमांड का यही था यूज, सरफेस टेंजेंट। ओके, इसके लिए हमें चाहिए एक सरफेस जो ट्रिम्ड हो या फिर अनट्रिम। ओके, डिलीट, एक्सप्लोर, रिमूव जॉइंट, इसको मूव कर देता हूँ थोड़ा सा। ऐसे ये भी कमांड कुछ खास काम का है नहीं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ क्या होता है इसमें। इसमें जो सरफेस का एज है ना वो रिपोजिशन होता है, इसको यहां पे ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, देखो चेंज हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो इसको बाद में के लिए आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस पॉइंट फॉर टेंजेंट डायरेक्शन, सो ऊपर ले लेता हूं इसको, तो देखो ये ऊपर की तरफ चला गया। होता क्या है, अभी ये सरफेस है, ये सरफेस ऐसा जा रहा है यहाँ पे, अगर इसको कभी किधर घुमाना हो इसको तो आप इसको क्या करोगे, पहले तो इसका एच पकड़ लोगे, फिर आप बोलोगे कि चलो मुझे इसको ऐसे डायरेक्शन में यानी इधर इधर की तरफ इसका मुंह घुमाना है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे घूम जाएगा, दिख रहा है ऐसा। तो ये कुछ खास काम का है नहीं है, अभी जैसे कि आप अगर इसमें पॉइंट्स लेते हो, पॉइंट्स लेके इसको दोबारा आप खेल सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना सरफेस कमांड। जो अपना ऑलमोस्ट कवर हो गया है, आगे बढ़ेंगे हम सॉलिड कमांड से। मैं सॉलिड कमांड्स के कुछ ऊपर के कमांड्स बताऊंगा यहाँ पे। अभी आते हैं हम काटाकुटी में। काटाकुटी मतलब एक दूसरे से जो भी सरफेस पॉली सरफेस मिलेगा उसको हम काटने वाले हैं। अभी जैसे ये हुआ, यहाँ पे मैं एक बॉल बना लेता हूँ, यहाँ पे भी बना लेता हूँ और एक यहाँ पे बना लेता हूँ जो कि इसको भी टच हो रहा है। ओके, अभी ये मेरा चार, तीन सरफेस और एक पॉली सरफेस है, मेरे चार ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि सब क्लोज्ड है, ओपन नहीं है कोई भी। ओके, बुलियन ऑपरेशन करने के लिए हमेशा याद रखो कि आपका सरफेस या फिर पॉली सरफेस क्लोज होना जरूरी है, अगर नेकेड एजेस रहेगा तो बुलियन ऑपरेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ही यहां पे जैसे बुलियन यूनियन, बुलियन यूनियन का मतलब ये होता है कि किसी दो सरफेस को आप जोड़ोगे, तो जोड़ोगे तो मतलब अगर एक दूसरे से अगर ये कनेक्टेड है तो ये जुड़ जाएगा। अगर मैं इधर एंटर मारूं तो ये देखो ये एक हो गया, दिख रहा है सरफेस कैसा एक हो गया। अगर मैं इसको और इसको यूनियन करना चाहूं तो यूनियन होगा,
क्योंकि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है। इसको और इसको करना चाहो तो होगा, हो हाँ देखो ये इसने इसको अपना कलर दे दिया, बराबर ये जॉइंट हो गया, जैसे यूनियन बोलते हैं इसको। अंडू अंडू। नेक्स्ट ऑप्शन जो है अपना वो है बुलियन डिफरेंस। बुलियन डिफरेंस में क्या होगा, सेलेक्ट किया, ध्यान देना, सेलेक्ट किया जिसको काटना है उसको पहले आप सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको काटना है और इससे काटना है, तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक दूंगा, फिर इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर राइट क्लिक दूंगा। देखो ये कट गया, बराबर। जो पहला वाला सिलेक्शन होगा वो कटेगा, ध्यान में रखो हमेशा। तो मैं इसको अभी पहले से सेलेक्ट करके रखता हूँ, एंटर, इसको सेलेक्ट किया, एंटर मारा, तो कौन सा कटेगा, ये लाल वाला या बॉल हरा वाला? बॉल बॉल ठीक है, आया समझ में? बस यही है। तीसरा कमांड है बुलियन इंटरसेक्शन। बुलियन इंटरसेक्शन में क्या होगा कि ये जो दो पार्ट एक दूसरे के अंदर जो गए हुए हैं वो ही रह जाएगा और बाकी सब उड़ जाएगा। तो अभी ये जितना बॉल इसके अंदर गया है और ये इसके अंदर जो गया है, जो दोनों का जितना मिलन हुआ है वो ही रहेगा। तो पहले ये सेलेक्ट करो या ये सेलेक्ट करो, फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, ओके। तीसरा वाला है बूलियन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अगर आपको पता नहीं कि आपको करना क्या है दोनों के बीच में, तो दोनों को सेलेक्ट कर लो और एंटर दबाते जाओ। सॉरी, इनके ऊपर ही क्लिक करो, हाँ इनके ऊपर ही क्लिक करो, तो आपको जो रिजल्ट दिखेगा अगर वो चाहिए होगा तो आप उसको एंटर मारो, बराबर। ये तीनों काम कर रहा है, अगर आपको पता नहीं है तो कि आपको करना क्या है, या उसको मिलाना है या काटना है या इंटरसेक्शन करना है, अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को सेलेक्ट करके ये कमांड दे सकते हो। और जब तक आपको एक रिजल्ट नहीं आता है तो आप तब तक आपको लेफ्ट क्लिक करना होता है उसी के ऊपर। अभी जैसे लेफ्ट क्लिक किया तो इंटरसेक्शन हुआ, अगर ये चाहिए तो राइट क्लिक दबा दो, ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे देखो इसने इसको काटा है यहाँ पे, अगर दोबारा राइट करूँ तो ये इसने इसको काट लिया, बराबर। हाँ दोबारा लेफ्ट करूँ तो बुलियन इंटरसेक्शन हो गया, ओके, और दोबारा क्लिक करूँ तो यूनियन हो गया। ये देखो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो कि क्या हुआ है करके, यूनियन हुआ है। अगर आपको यूनियन चाहिए, अगर हाँ तो आप राइट क्लिक दबा दो तो ये यूनियन हो जाएगा, ओके। ये सिर्फ उसके लिए जिसको पता नहीं कि यहाँ से मुझे क्या करना है, बट लेट्स सी इसमें से जो आएगा वो मैं ले लूंगा। ठीक है, अगर आपको पता है आपको क्या करना है, जैसे मुझे पता है कि मुझे इससे काटना है, इससे, दोनों से काटना है, तो मैं दोनों को सेलेक्ट करके काट दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके। अब मैं इन कमांड्स का एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे, जो कि हमारे ज्वेलरी में बनाने के लिए काफ़ी मदद होता है। फॉर एग्जाम्पल डी एंटर 17.5, मैंने एक रिंग आईडी ले ली और यहाँ पे दोबारा एक नया आईडी ले लेता हूँ मैं कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से, ओके, यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक शेप बनाऊंगा, कुछ भी शेप होगा। फॉर एग्जाम्पल राउंड में 2 पॉइंट्स प्रोजेक्ट ऑन एंड टू एंड, और इसको कर दिया मैंने हल्का सा स्केल कुछ इस तरह से। को दे दिया एक शेप, यहां से भी दे दिया एक शेप, ओके। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, अंडू पेस्ट। तो मैंने यहां पे दो शेप दे दिया है, ठीक है। सॉरी, इसको किया एक्सट्रूजन, बोथ साइड एंटर, और इसको किया
एक्सट्रूशन बोथ साइड एंटर, और जो मेरा तीसरा वाला जो कर्व है जो कि ये वाला, इसको भी कर दिया मैंने एक्सट्रूशन, ठीक है। ओके फिलहाल एक ही को करता हूँ। अभी जैसे मैंने दो ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड किया, यहाँ पे आया, मैंने ले लिया कमांड बुलियन इंटरसेक्शन वाला, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, तो देखो मेरा एक रिंग बन गया, दिख रहा है? यहाँ से देखोगे तो ये शेप मिलेगा, यहाँ से देखोगे तो रिंग का शेप मिलेगा, आए समझ में? ऐसा। अभी यही चीज मैं अगर इससे भी करूं तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा, इंटरसेक्शन इसको मैंने इससे मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये एक टेक्निक हुआ, बुलियन इंटरसेक्शन से ही हमने देखो एक क्या बना लिया यहाँ पे, बराबर। अगर आपको यहाँ पे इसको होल्स देना है तो आप होल्स करके बाद में कटआउट कर सकते हो। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, अभी फॉर एग्जांपल ये रिंग को मैं साइड में ले ले लेके आ जाता हूँ, जैसे ये व्यू में आया, ये व्यू से मैंने इसको यहाँ पे मूव कर दिया और यहाँ पे मिरर मार दिया उसको। अब की बार मैं करूँगा बुलियन डिफरेंस, बुलियन डिफरेंस इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट कर दिया और इन चारों को डिलीट मार दिया, देखो मेरा एक नया रिंग बन गया, दिख रहा है? अगर मैं इसको अभी फिलेट मारूं तो ये फिलेट हो जाएगा अच्छी तरह से, होपफुली नहीं हुआ, ठीक है बाद में देखता हूँ। ये एकदम मैंने एज में लिया था इसलिए ये थोड़ा तकलीफ दे रहा है, अगर ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता, फॉर एग्जांपल मैं इसको स्केल कर देता हूँ थोड़ा ऊपर, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा बुलियन डिफरेंस का, सॉरी फिलेट एज का। ओके फिलेट सेलेक्ट ऑल 0.5 एंटर, ये देखो फिलेट हो गया, हो गया रिंग बन गया ना मेरा मस्त एक, आया समझ में? तो ये टेक्निक है, अभी तक जो भी हमने सीखा उससे देखो एक अपना रिंग बन गया है ना। रिडू इसको रखता हूं मैं जॉब बैग के अंदर, ओके। नेक्स्ट कमांड है कैप प्लानर, कैप प्लानर का मतलब ये होता है कि अगर आपका सरफेस, आपका कोई पॉली सरफेस जो क्लोज नहीं हो उसको हम कैप कर सकते हैं, तो उसके पहले हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, कॉपी ऑप्शन नो डिलीट, ये हो गया आपका प्लानर सरफेस, ठीक है। एक प्लानर पॉली सरफेस है जो एक तरफ से उसका सरफेस गायब है, तो अगर आपको कैप करना है तो ये सेलेक्ट करो और कैप दबा दो, कैप हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसी तरह ठीक किसी एक सरफेस को उखाड़ना हो तो उखाड़ सकते हो, इसमें ऑप्शन है कॉपी करना है कॉपी कर सकते हो, और लेयर अगर चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते समय। तो देखो ये एक्सट्रैक्ट हो गया, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करो, मूव करना है मूव करो, जो भी करना है कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कमांड तो आपको पता ही है, फिलेट कमांड जो हमने पहले ही देख लिया था, ये भी पता है, एक्सट्रूड ये भी हो गया अपना, एक्सट्रूड ऑल भी हो गया है ना, एक्सट्रूड जो सरफेस का जो एक्सट्रूड कमांड है ना सेम है ये भी। यहाँ पे मैं एक नाम ले लेता हूँ 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ऐसा। अभी हम जाएंगे एक्सट्रूड ऑल, तो ये तो पता ही है ना स्ट्रेट टेपर टू पॉइंट अलोंग कर्व जो हमने सरफेस में किया था है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर टेपर है तो ये टेपर हो जाएगा हल्का सा, फर्क इतना सी फर्क इसमें इतना ही है, ये कैप के साथ बनता है, उसमें बिना कैप के बनता है, ओपन बनता है ना, ये पूरा खुला हुआ होता है, इसमें ये बंद होकर आता है बिल्कुल आपका, ठीक है। ओके नेक्स्ट कमांड है पाइप कमांड, जो काफी अच्छा कमांड है, किसी भी एक कर्व को पकड़ के हम पाइप बना सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे क्लोज कर्व ले लेता हूँ और एक ओपन कर्व ले लेता हूँ, ठीक है,
सेलेक्ट किया दोनों को, सॉलिड पाइप। ये मुझे पूछ रहा है इसका रेडियस, अगर रेडियस नहीं पता आपको डायमीटर पता है तो डायमीटर पे क्लिक करो और यहाँ पे डायमीटर लिखो 1 मिलीमीटर, एंटर। बस हो गया पाइप। ओके, ब्लेंड लोकल ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना आप आगे एक्सपीरियंस लोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि इसका क्या काम होता है करके। ठीक है, बस यही पाइप है। बॉक्स बनाना हो तो सेम, अगर रेक्टेंगुलर कमांड आपने जो ये कमांड किया होगा तो आप ये भी करना समझ जाओगे। इसमें भी सेम है, डायगोनल 3 पॉइंट्स, वर्टिकल सेंटर, सेंटर जैसे सेंटर से मैं 5 बाय 5 का बनाऊँ तो ये मेरा बन गया, बराबर 5 बाय 5 का मेरा बॉक्स बन गया। ओके, स्पीयर कमांड सेम सर्कल की तरह, सेंटर ऑफ सर्कल ले लिया, डायमीटर दे दिया 10 मिलीमीटर का, मैंने बॉक्स बना दिया। ओके, सेम है, ये आपको ट्राई कर सकते हो, टोरस भी ट्राई कर सकते हो। सिलेंडर डायमीटर 5 एंटर, और मैंने हाइट दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से आप खुद इसे टाइप कर सकते हो। ये ट्यूब है, जैसे ट्यूब से सेंटर ले लिया, रेडियस ले लिया, फिर इसको मैंने थिकनेस दे दिया और इसको एक्सट्रूड कर दिया। ओके, सेम पिरामिड, नंबर ऑफ साइड्स 8 ले लिया फॉर एग्जांपल, 8 एंटर कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, अभी इसके बीच में आप बुलियन बिलियन करके कुछ बनाओ, बराबर। ओके, तो ये बाकी के जो दो कमांड है वो आप देख लो क्या है करके। ठीक है, बॉस कमांड, रिप, स्लैप, मेक होल्स, ये सब फालतू के कमांड है। हाँ, जो लास्ट वाला कमांड है शेल कमांड, काफी यूजफुल कमांड है। बाकी मुझे पता नहीं ये क्यों बनाया है लोगों ने, बट आपको चाहिए आप खुद प्रैक्टिस करो, देखो क्या बता रहा है करके। अभी देखो, जब भी आप कोई कमांड लेते हो ना, आप नए पहली बार अगर आप कुछ कमांड ट्राई कर रहे हो, आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे पढ़ो कि वो क्या बोल रहा है। अभी जैसे यहाँ पे लिखा है कि सेलेक्ट अ प्लानर क्लोज कर्व टू बॉस, प्लानर तो आपको पता है क्या होता है, क्लोज भी पता है, कर्व भी पता है क्या है करके, यानी फ्लैट कोई क्लोज कर्व को सेलेक्ट करो ताकि आप उसको बॉस कर सके। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस कमांड में क्या बताया उन्होंने कि अभी जैसे मैं एक सरफेस ले लेता हूँ और एक कर्व ले लेता हूँ, जैसे एक छोटा सा स्क्वायर ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा इसके ऊपर से। तो बेसिकली ये क्या करेगा, सॉलिड कमांड में आया, सेकेंड ये लिया, प्लानर कर्व सेलेक्ट किया, एंटर मारा, फिर ये पूछ रहा है सेलेक्ट बाउंड्री, मैंने इसको बाउंड्री बना दिया। तो वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ उसको सीधा सीधा एक्सट्रूड करेगा और बुलियन यूनियन मारेगा उसको, बराबर। ये हो गया आपका बुलियन यूनियन, और कुछ है नहीं वैसे, इसका कुछ खास काम है नहीं, बट फिर भी दिया है तो मालूम करना अपना फर्ज है। ओके, तो स्ट्रेट अवे हम एक लास्ट कमांड में आते हैं, ये सब कमांड आप खुद ट्राई कर लो क्या है करके, वैसे सब फालतू कमांड है। शेल कमांड, अभी शेल कमांड क्या है ना कि अगर कोई आपका ज्योमेट्रिकल कोई फिगर हो जो आपने यूनियन बुलियन यूनियन करके बनाया हो, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये, अभी मुझे इसका एक हॉलो हॉलो करना हो, हॉलो यानी अंदर से पूरा उसको खाली करना हो, तो हम यहाँ पे जैसे इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे थिकनेस दे सकता हूँ, जैसे मुझे थिकनेस 1 mm के थिकनेस से इसको खाली करना है। आप जितना भी थिकनेस दोगे मेक श्योर कि वो उसकी लिमिट हो। अभी जैसे यहाँ पे है 3 mm, ये है 3 mm का, और आपने थिकनेस दे दिया 3 mm, तो ये 3 mm नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 3 तो एक साइड से 3 हो गया, तो 3 का आपको मिनिमम से मिनिमम 1.4 देना होगा, तब जाके फिर 0.2 का बीच में गैप होगा, बराबर। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे थिकनेस 1 mm दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, तो देखो ये पूरा अंदर से खाली हो गया है, ये दिख रहा है। तो अब अगर अगर मैं इसको अगर काटू यहाँ से, तो मुझे बिल्कुल, अभी ये कमांड हमने लिया ना क्लिपिंग कमांड, ये यूज करता हूँ मैं। चलो इसको यहाँ से काटू तो देखो मेरा बिल्कुल
1 mm से ये मेरा पूरा हॉलो हो चुका है, दिख रहा है? देखो उसने कैसे 1 mm से इसको खाली कर दिया। तो ये काफी अच्छा कमांड है, जैसे कोई एक रिंग आपने बनाया हो और उसको आपको खाली करना हो तो आप ये कमांड से इसको हॉलो कर सकते हो। एग्जाम्पली मैंने ये रखा है यहाँ पे। इसमें शायद से तकलीफ होगी क्योंकि अपने पास कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, सब देखो जैसे स्मूथ मतलब फ्लो में ही जा रहे, कोई भी प्लानर नहीं है, इसमें प्लानर सरफेस होना जरूरी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे इसको काट दूंगा ऊपर से हल्का सा, तब जाके मेरा प्लानर हो जाएगा। तो दोबारा मैं कटिंग ले लेता हूँ, कटिंग से इसको काट दूंगा सीधा, नहीं मैंने ऑर्थो नहीं किया, थोड़ा टेढ़ा चला गया पर चलेगा। इसको कर दिया मैंने बूलियन डिफरेंस, ऊपर की ओर चला गया, तो इसको फ्लिप कर दो, FLIP फ्लिप, और दोबारा कोशिश करो बूलियन डिफरेंस करने के लिए। तो इस बार ऐसा हो गया। अगर मैं अभी इसको शेल करने की कोशिश करूँ, ऊपर वाला ले लूँ 1 mm दे दूँ, तो देखो मेरा शायद से ये शेल होगा या तो नहीं होगा, शायद से ये क्रैश भी हो सकता है। ओके, तो ये अपना रिंग है, देखो इसने दिख रहा है अंदर से, हो सकता है उसने 1 mm से इसको पूरा खाली कर दिया। अब यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कम है, 1 mm जगह कम है, तो 1 mm से वो नहीं कर पाया उसको खाली। लेकिन यहाँ पे देखो तो देखो उसने पूरा इसको हॉलो कर दिया बराबर। इसके लिए एक प्लानर सरफेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है? और बाद में ये भी चेक करना कि ये कहीं पे नेकेड एजेस तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे शो एजेस पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे बता रहा है नो नेकेड एजेस। ये एक जरिया होता है जो हम चेक करते हैं कि आपका सरफेस बिल्कुल सही बना हो, कहीं पे भी लूज ना हो, कहीं से भी वो डिसकनेक्ट ना हो, यानी मजबूती से सारे एक दूसरे को कनेक्टेड हो, ज्वाइन हो। आया समझ में? तो अपना शेल सक्सेसफुल हुआ इसमें। ओके, तो सरफेस और अपना सॉलिड कमांड आज कंप्लीट हो चुका है। ओके ओके, अभी कुछ कमांड है मैं बताना चाहता हूँ कि बुलियन करते समय आपको ध्यान रखना है, जो कि है नेकेड एजेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सरफेस को ये जैसे मेरा पॉली सरफेस है, इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं और तीन सरफेस को उड़ा दिया, ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्टी है, ये अलग पार्टी है, ये पॉली सरफेस अलग है, ये पॉली सरफेस अलग है। ओके, दिखने में तो लगता है कि जैसे दोनों एक है। कई बार ये ग्रुप भी होगा तो आपको लगेगा अरे मैं सर सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये बता रहा है कि जैसे एक है, ये एक इसलिए है क्योंकि ये ग्रुप है, पर ये ज्वाइंट नहीं है एक दूसरे से। अगर आपको कभी भी कंफर्म करना हो तो उसको हल्का सिलेक्शन करो और देखो कि वो क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि जैसे टू पॉली सर्फेस एडेड टू सिलेक्शन, देखो जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये बोलता है वन पॉली सर्फेस, बट इसको सिलेक्ट करता है तो ये बोल रहा है टू। टू क्यों है, ये वन होना चाहिए बराबर। तो ये जैसे ग्रुप है तो आपको पता नहीं एग्जैक्टली कि ये कहाँ से अलग है। तो अगर आप व्यू में जाकर दोबारा, सॉरी यूटिलिटीज में जाकर चौथा कमांड जो है आपका शो डायरेक्शन, शो एजेस, इसमें अगर क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा। वैसे मैं येलो कलर यूज करता हूँ, तो देखो ये येलो कलर में बता देगा कि ये यहां से बिल्कुल ओपन है, ठीक है, ये ज्वाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो कोशिश करेंगे इसको ऐसे ही ज्वाइन करने के लिए और पढ़ेंगे कि इज ज्वाइन इनटू वन क्लोज पॉली सरफेस। हमेशा जब भी आप कोई भी सरफेस ज्वाइन करोगे एक दूसरे से, आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि वो एक पॉली सरफेस में ज्वाइंट हुआ है। मैं दोबारा अंडू दबा रहा हूँ, दोबारा इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके ओके, थोड़ा मेरा कमांड बार हिल गया यहाँ पे, तो इसको दोबारा मुझे सेट करना होगा। तो जैसे मैं इसको ज्वाइन करूँ, हम ये ऊपर चला गया, थोड़ा खींचता हूँ इसको कमांड बार, देखो ये बोल रहा है ज्वाइन इनटू वन क्लोज पॉली सरफेस। क्लोज पॉली सरफेस यानी आपका काफी प्रॉपर पॉली सरफेस है, ठीक है,
इसको दोबारा मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, जैसे मैं अभी इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ पूरा, और मैंने यहाँ पे एज एनालाइज में इसको ऐड ऑब्जेक्ट दबा दिया, तो ये मुझे बताएगा कहाँ पे टूटा हुआ है। तो ये सारा अपना सरफेस एक दूसरे से सब टूटा हुआ है। वायर फ्रेम में देखेंगे तो और भी मिलेंगे जो अंदर से एक दूसरे से जॉइंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इन इनको नीचे नीचे वाले को सिलेक्ट करके ज्वाइन दबा दूँ, तो देखो इतना हार्ड निकल गया है ना, येलो लाइन जो है वो निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि वो ज्वाइन हो गया है ना। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ज्वाइन दबा दूँ तो देखो ये भी निकल गए, समझ में आ रहा है? तो वो इंडिकेट कर रहा है कि भैया यहाँ पे ज्वाइन नहीं है, वो नेकेड एजेस है। तो ये नेकेड एजेस होना मतलब एक तरीके से आपका खराब पॉलीसरफेस बनना। अगर खराब पॉलीसरफेस होगा तो आपका बुलियन ऑपरेशन नहीं होगा, ये दिमाग में डाल दो अपने, ठीक है। अब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, और ज्वाइन करते वक्त मैंने ये यहाँ पे पढ़ लिया, ज्वाइन इनटू वन क्लोज पॉलीसरफेस, जिसका मतलब है ये मेरा अभी प्रॉपर पॉलीसरफेस है, इससे मैं बुलियन ऑपरेशन कर सकता हूँ। आया समझ में? ओके, तो दूसरा ऑप्शन है चेक। चेक का इतना आपको खास जरूरत नहीं है, बट अगर आप शो एजेस में अगर ध्यान दोगे, जब भी आपको नेकेड एजेस चेक करना हो तो आपको सिर्फ ये इस पर क्लिक करना है, ये बता देगा। अब ये बता रहा है नो नेकेड एजेस, मतलब ये अपना जो पॉली सरफेस है वो बराबर है, ठीक है। अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये अभी ये नेकेड एजेस है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैं एक स्पीयर ले लेता हूँ जो बिल्कुल नेकेड एजेस के कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको देखो, मैं कर रहा हूं बुलियन डिफरेंस, ये लिया और ये लिया, क्या है आपका मैसेज? बुलियन डिफरेंस, ठीक है। क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये नेकेड एजेस था यहाँ पे, है ना। अगर सॉलिड से सॉलिड होगा तो ही वो बुलियन डिफरेंस होगा ना, अगर सरफेस होगा तो नहीं होगा। बस आपको यही ध्यान में रखना है, अगर आपका कई बार अगर फेल होता होगा तो ये रीजन होगा कि आपका जो सरफेस है वो पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होगा, वो ज्वाइंट नहीं होगा, कहीं ना कहीं पे नेकेड एजेस होगा उसका। नेकेड एजेस कैसा चेक करते हैं? सेलेक्ट करेंगे, यूटिलिटीज यहाँ पे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। अभी जैसे इसमें नो नेकेड एजेस, ठीक है, ये अपना ये सॉलिड सही है। अगर अब मैं इसे बुलियन डिफरेंस करना चाहूँ तो ये मेरा हो जाएगा बुलियन डिफरेंस। आया समझ में? ठीक है, तो इसी के साथ अपना सरफेस और सॉलिड आज समाप्त होता है। प्रैक्टिस करो, समझो सरफेस क्या है, पॉली सरफेस क्या है, पॉली सरफेस के रूल्स क्या है, जैसे सॉलिड होना जरूरी है, नेकेड एजेस नहीं होना चाहिए, ये सब चीज को समझ के हम आगे 3D में इसके और डिटेल्स देखेंगे। ओके, जैसे अभी ट्रांसफॉर्म में स्केल ऑप्शन, ट्रांसफॉर्म में अपना कुछ थोड़ा बहुत ही हुआ है ना कमांड, ठीक है। तो जो भी नहीं हुआ है वो हम फॉलो वो हम दोबारा करेंगे अब। और जो हमने कर्व्स में जो 3D के कमांड्स हमने जो अभी तक नहीं यूज़ किए थे वो हम दोबारा भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये भी देख लेंगे कि इसमें कौन सा नहीं हुआ है, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके,